कैथल में निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। कैथल के करनाल रोड पर एक निजी अस्पताल है जिसमें संजीव कुमार गांव टीक निवासी ने हमें बताया कि वह कल 6 जून को अपने पिताजी को शारीरिक कमजोरी की वजह से डॉक्टर के पास लाया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें खून चढ़ाया जाएगा। मेरे पिताजी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और कल इस अस्पताल के डॉक्टर ने एक यूनिट ओ पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया था और बताया था कि दूसरा ब्लड यूनिट कल चढ़ाया जाएगा। आज सुबह दूसरी ब्लड यूनिट को आज चढ़ाया जा रहा था, तब हमने देखा कि ब्लड की थैली के ऊपर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है। हमने अस्पताल वालों से बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी गलती मानी और ब्लड चलाना बंद कर दिया, लेकिन तब आधी यूनिट ब्लड ताराचंद के शरीर में जा चुकी थी। परिजनों ने डॉक्टर को कहा कि आप इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दें और लिख कर दें कि गलती से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया है, परंतु हॉस्पिटल में सुबह से ना तो डॉक्टर आया और ना ही किसी ने रेफर किया और ना ही लिख कर देने को तैयार हुए, जिससे मरीज की जान को खतरा बना हुआ है। मैं कल मेरे पापा जी को यहाँ लेके आया था, ताराचंद जी को, उनको ब्लड की कमी थी सर, ब्लड चढ़वाने के लेके आया था सर। एक यूनिट कल ठीक ठाक चढ़ा दी थी, वो पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप था। आज इन्होंने गलती लापरवाही से बी पॉजिटिव की यूनिट चढ़ा दी उनको, वो हमने देख ली सर। हमारे देखने के बाद इन्होंने बीच में हटा दी। हमने इनको सुबह 10 बजे बोला भी हमारे पापा जी को आप यहाँ से रेफर कर दो, ये तो गलत ब्लड चढ़ गया। ये कह रहा है भाई आप यहाँ कहीं प्राइवेट सिकनेस में या साउथ हॉस्पिटल में या अमर पटियाला में इलाज करवा लो, पैसे मैं दे दूंगा, हमारी संस्था बदनाम हो जाएगी नहीं तो। मैंने कहा सर भाई पीजीआई कर दो आप, यहाँ इनका ट्रीटमेंट है ही नहीं, इलाज ही नहीं है इनके पास, तो सर ये रेफर करने से मना कर रहा है। 1 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं इधर उधर। सिविल लाइन के पास भी गया था सर मैं दरखास्त देने के लिए, वो कह रहा है ये हमारी कार्रवाई नहीं बनती, ये सीएमओ की बनती है, सीएमओ के पास जाओ आप। रिश्तेदार है जी मेरा, मिसेज का चाचा जी है, कल का एडमिट है जी, तो कल इन्होंने इनका बी पॉजिटिव ब्लड ओ पॉजिटिव है जी, कल तो ओ पॉजिटिव लगा दी, सुबह में इन्होंने ओ पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव लगा दिया जी ब्लड ग्रुप। उसके लगाने के बाद हमने देख लिया जी, तो 10 बजे हटा दिया जो, 10 बजे के बाद अब 6 बजने को आए, इन्होंने मार को मिसगाइड कर रहे हैं, कभी कह रहे वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। हमने बोले हम तो चंडीगढ़ ले जाएंगे, हम तो इनको बोल रहे थे डिस्चार्ज कर दो, हमारे को लिख के दे दो भी, हमारे से गलती होगी हम चंडीगढ़ ले जाएंगे, ये नहीं लिख के दे रहे जी। हंगामा देखते हुए सिविल लाइन के पुलिस अधिकारी प्रहलाद कुमार पहुंचे और उन्होंने मीडिया को बताया कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने जैसा मामला सामने आया था, हमने डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था मामला, ये कोई कल इन्होंने एडमिट करवाए थे, उसके बारे में कोई मिस हैपनिंग हुई है या क्या हुआ है, कोई कह रहे हैं ब्लड वगैरह गलत चढ़ गया, पता नहीं, वो तो डॉक्टर साहब आके ही बताएंगे, तो डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ तभी बताएंगे आपको क्या है। गौरतलब है कि डॉक्टर सुबह 11 बजे आ रहा है, शाम हो चुकी है परंतु अभी तक कोई नहीं पहुंचा। कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।